नमस्कार, द रूस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कोयम्बतूर में एक बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग, जिसको एक तरह से बेच दिया गया एक मंत्री के हाथों। वहाँ पर IAS एकेडमी खुल गई है। किसी को ये नहीं पता कि वो जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो आखिर सरकार के पास है या फिर किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास है। एक NGO है अरापोर इयक्कम, जिन्होंने RTI डाली, उसके बारे में छानबीन करी, मसले को बाहर लेके आए। आइए हम मिलते हैं, अख्तर साहब हमारे साथ हैं, जो और विस्तार में बताएंगे आखिर ये मसला है क्या। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये पूरा मसला क्या है? अच्छा, ये बिल्डिंग बिकी कैसे? नहीं, ये बिल्डिंग बिकी नहीं है। ओके। इसको हड़प लिया गया है। अच्छा। जैसे कि एक कोयम्बतूर कॉरपोरेशन में एक जगह थी, लगभग 15,000 स्क्वायर फीट की जगह थी, जिसमें 3,000 स्क्वायर फीट की कुछ लगभग पुरानी सी बिल्डिंग थी, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफिस थी। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफिस ये वो है जहाँ पे लोग आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए, और बाकी जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उस वार्ड का जो काम होता है उसके लिए थी। तो गवर्नमेंट ने आके उनको कहा कि बिल्डिंग इमारत पुरानी हो चुकी है, इसको इस ढांचे को गिरा के नई ढांचा बना के हम आपको देंगे बोल के उसको खाली किया गया, उनको बाहर शिफ्ट किया गया। और बाहर शिफ्ट करके एक टिन शीट, मतलब टिन शीट में जो ना एक कच्ची बिल्डिंग जैसी एक टिन शीट डाल के फिलहाल वो ऑफिसर्स वहाँ से काम कर रहे हैं। वहाँ पर लोग आते हैं, सोचिएगा कि तमिलनाडु की धूप में एक टिन शीट के नीचे बैठ के काम करनी है। मतलब ये वो जगह उसी नहीं, उसमें हटा के अलग दूसरी जगह दिया हुआ है। और जहाँ पे जो पुराना ढांचा था, जो पुरानी इमारत थी, उसको तोड़ के 2.25 करोड़ पे एक टेंडर देके एक नई बिल्डिंग बनाई गई। तो नई बिल्डिंग बनाने के बाद इस बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया। इस बिल्डिंग जो है एक अम्मा IAS एकेडमी, मतलब इसको लगता है जब आप अम्मा IAS एकेडमी बोलते हैं तो लगता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे जयललिता की हुकूमत थी एंड जयललिता वॉज पॉपुलर एज अम्मा। तो लगता है ऐसे कि ये एक गवर्नमेंट की ऑफिस बन रही है, मगर ये गवर्नमेंट की ऑफिस है नहीं, ये IAS एकेडमी जिसको ये बिल्डिंग दी गई है। IAS एकेडमी है किसकी है? ये अम्मा IAS एकेडमी है किसकी? तो लोगों को ऐसे लगता है कि जब देखते हैं तो शायद ये किसी गवर्नमेंट का काम चल रहा है यहाँ पे। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये एक अम्मा IAS एकेडमी एक ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट के मुख्य ऑफिस बेयरर हैं और ओनर हैं, या जो भी कहें आप, ट्रस्ट जो चलाते हैं, ये हैं मिनिस्टर SP वेलुमनी। अच्छा। इन्हीं के अंडर में आती हैं ये, मतलब वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर हैं और ये सारे कॉरपोरेशंस उन्हीं के अंडर में आती हैं। तो ये मिनिस्टर जो है ये अपनी जो मिनिस्ट्री की जो जगह है उसको खाली करते हैं, फिर वहाँ पे एक इमारत बनाते हैं, वो अपने ही लोगों को दे देते हैं। तो एक तरफ जो है एक IAS एकेडमी, जो अम्मा IAS एकेडमी है, इसके अंदर एयर कंडीशन डाल के ये अपने लोगों को प्रमोट करते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पे वो अधिकारी बैठ के काम करेंगे, जहाँ पे आम आदमी आके उन अधिकारियों को मिलता है, वो एक टिन शीट की जगह बन चुकी है। और इसमें जो है ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, ये अम्मा IAS एकेडमी और गवर्नमेंट के बीच में किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, ये किस तरह से इन्होंने असर किया है, किस तरह से इसको हड़प लिया है, तो इस जानकारी के लिए जब हम ऑफिशियल्स को अप्रोच करते हैं तो उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। और जब हमने RTI फाइल कर रखे हैं तो उसमें भी उन्होंने जो है तोड़ मड़ोड़ के दे रहे हैं, इसको छुपाई जा रही है बात। तो पता लगता है कि जब कोई छुपाता है तो ज़रूर कुछ गड़बड़ है ही है। एक तो वो तो आपको साफ दिखाई देता है कि कुछ गड़बड़ है, मगर साफ RTI के ज़रिए से हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे IAS एकेडमी है, और IAS एकेडमी हैज़ नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही है अम्मा IAS एकेडमी से। तो ये गवर्नमेंट की जगह है, और बिल्डिंग जो बनी गई 2.25 करोड़ देके, वो गवर्नमेंट के पैसे से बनी गई। अच्छा। तो ये साफ इट इज़ एन एक्ट ऑफ करप्शन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर मिस्टर SP वेलुमनी। तो हमने DVAC अरापोर इयक्कम ने DVAC के पास एक कंप्लेंट ले जा रहे हैं आज, जिसमें वी आर आस्किंग देम टू फाइल करप्शन केस अगेंस्ट SP वेलुमनी एंड टेक एक्शन। देखिए कितनी दुखद बात है कि एक जगह जहां पर जन्म पत्री बनती है, जहाँ पे मरम किसी के जो डेथ सर्टिफिकेट्स है वो वहाँ पे बनते हैं, और वो ऐसी जगह है जो कि एक टिन शेड है जैसे आपने बताया, और एक तरफ एक अच्छी इमारत बनती है, नई इमारत बनती है जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाती है, जिस पे IAS एकेडमी बनाई दी जाती है, वो भी एक मिनिस्टर के सामने, और वो मिनिस्टर खुद उस चीज़ को ओन भी करता है। तो ये आज की स्थिति है तमिलनाडु की, जो यहाँ की सरकार है, यहाँ पर ये समझ ही नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। 2 दिन पहले की बात है, जब मेरे ही ऑफिस के बाहर एक इंसान खुदाई कर रहा था, जब मैंने जाके उससे पूछा डू यू हैव अ परमिशन, उसने मुझे ये बोला कि साहब परमिशन हमारे पास है, ऑफिस से हम भेज देंगे। आज 4 दिन हो गए हैं उसके पास परमिशन नहीं है।
यहाँ पर कौन खुदाई करता है, कौन किस बिल्डिंग को हड़पता है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने कोई इमारत बन रही है, कहीं आपके सड़क पर कोई खुदाई हो रही है, आप जाइए, आप पूछिए, आपका पैसा है, आपका शहर है, आपका हक बनता है कि आप जाके उनसे क्वेश्चन कर सकें। अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो इसी तरह से तमाम स्कूल्स, तमाम सरकारी बिल्डिंग्स किसी ना किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथों चली जाएंगी, बिक जाएंगी। और आज जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है, तमाम लोग जुलूस निकालते नज़र आएंगे या फिर प्रोटेस्ट करते नज़र आएंगे, हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ की जो सरकार है उससे हमारी दरख्वास्त है, या फिर ये कहें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली कराएं। वहाँ पर जो भी इलीगल जो बिल्डिंग एक्वायर करी गई है उसे छुड़ाएं, और जो वहाँ पर जन्मपत्री बनने का जो ऑफिस था उसको वापस लेके आएं, दुरुस्त करें, ताकि जो तमाम लोग हैं जिनके पैसों से ये बिल्डिंग बनी है, इमारत बनी है, तमाम वो जो लोग जो वहाँ पर धूप में बारिश में खड़े होकर लाइन पर तमाम काम करते हैं, उनको कुछ सुकून मिल सके। और जो SP वेलुमणि साहब हैं, इनके खिलाफ करप्शन का केस ज़रूर होना चाहिए। साथ ही साथ ये जवाबदेही इनकी बनती है, इस सरकार की बनती है कि आखिर इतने सारे लोग, यानी वहां पर सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं, मिनिस्टर के अलावा जितने भी सरकारी बाबू हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना ही चाहिए, ताकि ये जो जरूरत है जो इन लोगों ने करी है ऐसा कोई और ना कर सके। कि जब ये ऑफिस इनाग्रेशन हुआ, जो अम्मा IAS एकेडमी इनाग्रेशन हुआ, तो उसमें ये मंत्री थे, वहां के MLA थे, और मोर इंपॉर्टेंटली कोयम्बतूर के कॉरपोरेशन कमिश्नर भी शामिल थे। तो ये सारे मिले हुए हैं, ये लूटमार, ये जो भी होता है, ये ऑफिशियल्स भी इसमें मिले हुए हैं। तो एक्शन अगर लेनी है तो उन कमिश्नर पे भी लेनी है, ये भी हमारी दरख्वास्त है DVAC से। ठीक है, तो ये देखिए, अब जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो वो एक तरह से लग ही रहा है कि तमिलनाडु में जो सरकार है अंधेर गर्दी वाली सरकार दिखती है, क्योंकि पिछले कई एक सालों में हमने यही देखा है कि डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा शून्य नज़र आता है। यहाँ का जो कॉरपोरेशन है, हमने ये भी देखा कि पिछले 9 सालों में यहाँ पर किसी भी तरह का कॉरपोरेशन में काम नहीं हुआ। ठीक, इस तरह की बिल्डिंगें यहाँ से लोग हड़प ले जाते हैं, तो इसके खिलाफ सरकार आखिर क्यों कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही है? क्या उसका इच्छा नहीं है कुछ काम करने की, या फिर वो बस चल रही है जैसे चलनी चाहिए? नहीं, अभी जो है ये सारे पिछले ज़माने का तो पता नहीं, मगर आज ऐसा है कि इनके पास टाइम बहुत कम है। तो आज की रूलिंग पार्टी यही सोचती है कि जितना लूट सको, जितना हड़प सको, जितना हड़प सको हड़प लो, जितना लूट सको लूट लो, किसको पता कि अगली सरकार इनकी बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये एक उनके दिल में खौफ है, तो ये खौफ उनको जो है, मेरे को ऐसा ही लगता है कि मतलब शायद ये खौफ है जिनको उन्होंने बाकायदा, ये लोग बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी डर के ये लूट रहे हैं। और ये लूट इसलिए कर रहे हैं, इसके देखिए, ये ना सिर्फ ज़मीन, जो लेक्स हैं, जो पानी के होते हैं ना, जो तालाब होते हैं, इन तालाबों को लूट रहे हैं। तो हमारे लिए जो है, इस साल हमारे पास पानी नहीं है। देखिए सिस्टम कैसे काम कर रहा है, जब यहाँ तमिलनाडु में बारिश पड़ती है तो ये लोग कोई वाटर बॉडीज़ नहीं क्रिएट किए हैं, कोई लेक्स वगैरह को ठीक से किया नहीं, तो पानी जो है सारा पानी ये समुंदर में भेज रहे हैं, फिर उस समुंदर से पीने का पानी बनाने की मशीन लगाते हैं। तो देखिए सिस्टम कैसा काम करता है, ठीक है ना, जो बारिश पड़ती है इसी को हम पीने का इस्तेमाल करेंगे ना, इसको आप पहले समुंदर में करो, फिर डिसैलिनेशन प्लांट लगाओ, और डिसैलिनेशन प्लांट 200-500 हज़ार करोड़ का बना दो, और उसमें शायद इनको 20-30% कमीशन मार लो। ये एक सिस्टम इन्होंने बना रखा है, ये सिस्टम जो है कई सालों से चल रहा है, इसको कैसे तोड़ेंगे? ये तोड़ना है तो एक थोड़े बहुत जो ऑफिशियल्स अच्छे हैं उनको सर उठा के काम करना पड़ेगा, आम आदमी को भी जो है इसके लिए, उनको भी जो है बाहर निकल के सवाल उठाने पड़ेंगे, हुकूमत से पूछने पड़ेंगे। और जब अरप्पोर इयक्कम वी रन दिस केल चेन्नई केल, मतलब पूछ चेन्नई पूछ, और हम जो है नो योर राइट्स चलाते हैं, और इसको भी जो है सरकार, आज की जो हुकूमत है, इसको रोकने की सारी कोशिश करती है। मतलब हम कहीं पर एक हॉल बुक करते हैं कि हम लोगों को इसकी जानकारी देंगे कि भाई आप भी सवाल करो, तो ये उस मैरिज हॉल को जाके डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं कि अरप्पोर इयक्कम को आप जगह मत दीजिएगा, आप देंगे तो हम आपको कुछ कर देंगे। तो ये उनको डर है, तो इससे साफ जाहिर है कि जब आम आदमी सवाल उठाने लगेगा तो वे इनको एक डर पैदा करता है, और जब डर होता है तभी जो है कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और इसका एक और मिसाल मैं दूंगा, जैसे कि हमारे यहाँ एक है चित्रपाकम लेक है चेन्नई में, कोई हमारे क्रोमपेट के पास, तो वहाँ लगभग जो है वहाँ के लोग मिलके उस
तालाब को बचाने के लिए, उस तालाब को साफ कराने के लिए लगभग 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, सवाल उठा ही रहे हैं, RTA फाइल किए हैं, हमारे भी साथ मिलकर काम करते हैं। तो जब वो एकदम से लगे हुए काम कर रहे थे तो इन गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ये लोग तो सवाल करते ही रहेंगे, ये वापस हटने वाले नहीं हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने 25 करोड़ उस तालाब को ठीक करवाने के लिए इन्होंने सैंक्शन किया है। तो जब तक लोग सवाल नहीं करेंगे ये माहौल बदलने वाला नहीं है। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि जब लोग बस को देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट की बस है, वो गवर्नमेंट की बस नहीं है साहब, वो आपकी बस है। जब तक आप किसी बिल्डिंग को, किसी तालाब को, किसी रोड को आप देखते हैं, जब तक उसको ये नहीं कहेंगे कि ये मेरी रोड है, ये मेरा तालाब है, ये मेरा कुआं है, जब तक ये नहीं कहेंगे ये बदलने वाला नहीं है। अरापुर इयक्कम जो है एक रास्ते पे निकला हुआ है, थोड़ी बहुत हमें कामयाबी हासिल की है, तो आम आदमी का सपोर्ट जब तक रहेगा तो हम चेंजेस कुछ ला सकेंगे। एक कुछ 10-12 दिन पहले ये डिसेलिनेशन प्लांट जो लग रहा था, उस वक्त मैं उसी सड़क पर था किसी काम से, ACR पे, तो एक बहुत देखने की मज़ेदार बात है, मैं फुटेज भी दिखाना चाहूँगा, आपके पीछे फुटेज चलेगा अभी। उस फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तकरीबन 20 किलोमीटर की लंबाई है इस पूरे सड़क की, ECR के इस छोर से उस छोर तक। उस पूरे 20 किलोमीटर में इन लोगों के पोस्टर्स, इश्तिहार पूरे बीच सड़क पर, जो बैनर्स होते हैं इन लोगों के, साथ ही साथ जो झंडे हैं पार्टी के झंडे, वो सब लगे हुए थे। यानी इतनी क्राइसिस है यहाँ पे पानी का, इतने मुश्किलों से यहाँ पे जो लोग हैं पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये जो प्लांट है ये कुछ 10 साल पहले प्रोसेस में आया था, ठीक है, उसी को ये दोबारा से एक नया नाम देके इसको, इसका इनॉग्रेशन हुआ और उसके लिए इतना बड़ा एक जलसा जैसे इन लोगों ने किया, एक मजाक बना रखा है इन जैसे लोगों ने कि हम कुछ भी कहें आप हमसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं, हम एक जलसा दिखा सकते हैं, हम एक ऐसी ऐसे रौनक हमने देखी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वहाँ पे क्रैकर्स फोड़े गए, वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गईं, वो भी उस चीज़ के लिए जो इन्होंने किया ही कुछ नहीं था। जो जयललिता थी शायद ये उनका प्रोजेक्ट था और उन्होंने कुछ 10 साल पहले इसको अप्रूवल दिया था और 10 साल बाद आज जाके उसको फिर से इनॉग्रेट किया है। एक तरह से लोगों के आँखों में धूल झोंकने की यहाँ की सरकार ने कोशिश करी है। इन जैसे NGOs को और आगे आना चाहिए, NGOs पर ही हम सरकार नहीं चला सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आप और मुझे, हम जैसे तमाम लोगों को सवाल पूछना चाहिए। आज उस सिचुएशन में तमिलनाडु पहुंच गया है कि अगर आपने सवाल नहीं पूछे तो शायद हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। इस पूरे क्राइसिस को हम आगे और उठाना चाहेंगे। तमाम वो जो लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो कृपया करके शेयर करें, क्योंकि बहुत फिल्टर होके तमिलनाडु से खबरें बाहर जाती हैं, बहुत गिनी चुनी खबरें बाहर जाती हैं, लेकिन तमिलनाडु भी हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर सिर्फ पानी की समस्या नहीं, इस जैसी बहुत सारी समस्याएँ हैं। सिर्फ हैशटैग वाटर क्राइसिस लिखने से काम नहीं चलेगा, ऐसी तमाम समस्याएँ हैं जिनको और जो मुल्क के बाकी लोग हैं उनको समझना चाहिए, और इस न्यूज़ को शेयर करें ताकि और लोग समझें और इस तरह की जो एक्टिविटीज़, गतिविधियां होती हैं वो रुकें। बने रहें हमारे साथ रूस्टर न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।